अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने टाइम दिया रंजीत नगारा एनजीओ को, जो कैलिफोर्निया बेस्ड है और नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जिसके हेड सतप्रीत यहाँ पे कर रहे हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो आप लोगों के प्लान्स हैं, जो रंजीत नगारा के साथ आप लोगों के चल रहे हैं, थोड़ा सा हमारे देखने वाले को बताएंगे कि आप अपकमिंग डेज में झेलम में क्या क्या प्लान लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा इसके हवाले से डिस्कशन कीजिएगा और बताइएगा कि ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा और इसकी NOCs किस प्रोसेस में है। जी सर, इसमें बेसिकली उनकी तीन हैं साइट्स। एक गुरुद्वारा भाई करम सिंह आहलूवालिया, वो हम उनको दे रहे हैं फॉर रेनोवेशन। दूसरे नंबर पे उनकी माता जी कौर साहब का जन्म स्थान है रोहतास फोर्ट के अंदर, वो उनको दे रहे हैं रेनोवेशन, प्लस वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट्स वगैरह हैं उनके रिमूवल के बाद और उसको रेनोवेट करने के लिए। और तीसरे नंबर पे किला जोगियाँ पे जो गुरुद्वारा है जहाँ पे बाबा जी गुरु नानक आए थे, वो वहाँ पे उसको उसके रेनोवेशन के लिए हम दे रहे हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, उनमें सबसे टॉप पे आता है फुटप्रिंट्स ऑफ गुरु नानक, जो गुरुद्वारा चुआ साहब से किला जोगियाँ ऑन फुट गए थे उस ज़माने में, ये ऑलमोस्ट 16th century है, 1522 के करीब करीब कहीं गए। तो उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं रंजीत नगारा जो है NGO, उसके हवाले से दोनों मिलके इसको एग्जीक्यूट करेंगे। और इसमें रास्ते में कम से कम कोई 3 रेस्ट एरियाज बनेंगे और उसके अलावा गजीबोज लगेंगी, और उसके ज़रिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका फैक्टर है वो यही है कि लोग गुरुद्वारा चुआ साहब से किला जोगियाँ तक ऑन फुट जाएंगे। ये इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल यूनिक है, और सिख कम्युनिटी के पास ऐसा कोई अदर प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें ऑन फुट कोई एक्टिविटी। आप क्या समझते हैं कि रंजीत नगारा NGO के साथ मिलके जब ये आप फुटस्टेप क्रिएट करेंगे तो दुनिया भर से रिलीजियसली बहुत ज़्यादा टूरिज्म अप्रोच होगी? जी डेफिनेटली, इसमें ख़ासतौर पे जो रिलीजियस अटैचमेंट है, इतना बड़ा ट्रैवल जो है 28 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग है ऑन फुट तो इन्वॉल्व है, तो ये आप रिलीजियस अटैचमेंट और अफिलिएशन के साथ ही इतना बड़ा काम आप कर सकते हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमारे मुसलमान जो हैं वो अराफात से और जाते हैं अपना मीना तक, बिल्कुल इसी तरह जो सिख कम्युनिटी के फॉलोअर्स हैं वो गुरुद्वारा चुआ साहब से किला जोगियाँ तक ऑन फुट जाएंगे। और ये ख़ासतौर पर यंग लोगों का, जो नौजवान सिख हैं उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की अट्रैक्टिव एक्टिविटी होगी, और उसमें डेफिनेटली फुटफॉल जो है वो मल्टीप्लाई होगा। मैं यहाँ पे राव परवेज़ अख्तर साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खालसे की माँ का आप बहुत बड़ा कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, क्या दोनों चीज़ों को मिला के जैसे हम झेलम शहर में भी गुरुद्वारे को रिस्टोर कर रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब सिख रिलीजियस का हब बनने जा रहा है? जी डेफिनेटली, आप देखें कि पंजाब जो है वो सिख कम्युनिटी के लिए इसी तरह का दर्जा रखता है जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है, तो उनके भी जितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रिलीजियस जो साइट्स हैं, वो चाहे ननकाना साहिब हो या करतारपुर हो, तो उसके बाद तीसरी बड़ी जो जगह है इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में वो झेलम होगी। ओवरऑल हम देखें तो ननकाना साहिब, करतारपुर, पंजा साहिब, हसन अब्दाल, और उसके बाद फिर ये हमारा झेलम ज़िला आता है। हाल तो यहाँ पे सिख कम्युनिटी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिख कम्युनिटी की फुटफॉल यहाँ पे आएगी।
मैं रंजीत नगारा एनजीओ की तरफ से पर्सनली आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो काम कई सालों में नहीं हो सके आपने पर्सनल एफर्ट करके उसको काफ़ी नज़दीक तक ले आए। मैं अब यह पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का जो प्रोसेस है वो कब तक, ये किन मराहल में है, और ये शुरू होता है तो क्या आप क्विकली इस पर काम शुरू कर देंगे? गवर्नमेंट के हवाले से क्या प्लान है आप लोग? जी, मेरी आज भी बात हुई है ETPB के जो सेक्रेटरी शराइंस हैं उनसे, और उन्होंने आज भी एक मीटिंग कंडक्ट की है, और नेक्स्ट मीटिंग वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मीटिंग कॉल कर रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली वो विद इन फोर्थ नाइट इनको NOC जारी करने जा रहे हैं इन तीनों साइट्स के लिए। और उसके अलावा जो रेप्लिका गेट है वो हम इंशाल्लाह इसी वीक में कर देंगे, और जो फुटप्रिंट वाला जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से वो भी इंशाल्लाह विद इन दिस वेरी वीक हम उसको कंप्लीट कर देंगे। दिस इज़ अब जेहलम बड़ा तारीखी अपनी अहमियत के हामिल है, तो क्या आप समझते हैं और क्या आपकी इस मेहनत रंग लेके आएगी और यहाँ पे वो गहमा गहमी जो कुछ अरसा से बंद हो गई थी आप समझते हैं कि दोबारा शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, मैं इसके बारे में मेरा ये बिलीफ है, आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट कि जो 47 से अब तक यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी ऐसी, तो वो एक्टिविटी रिवाइव होगी, और यकीनन ये सिख कम्युनिटी के लिए भी खुशखबरी भी है, उनके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है ये, जो एक नई हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है पाकिस्तान बनने के बाद, कि उन लोगों को हम खुले बाजुओं के साथ उनका इस्तकबाल करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उनको हर तरीके से फैसिलिट यहाँ पे कर भी रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। मैं आखिर में डीसी साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो गुरुद्वारा भाई करम सिंह है उस पर काफ़ी हद तक आपने काम कर दिया है, और तकरीबन जो पुलिस जो उसकी कस्टोडियन थी पिछले 30-35 साल से, वो भी प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, तो इसके हवाले से हमें क्या? बिल्कुल, वो आज सैटरडे को उनके गुरुद्वारा भाई करम सिंह का जो है वहाँ पे हम दो कमरों का पोजेशन दे चुके हैं, और बाकी भी वो अगले दो दिन में वो खाली कर दिया जाएगा और वो कम्प्लीटली अवेलेबल होगा फॉर रेनोवेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 35 साल के बाद भाई करम सिंह गुरुद्वारा जो इस वक्त पुलिस की देखभाल में था, अब वो वापस वैक्यू ट्रस्ट के पास आ गया है आप लोगों की मेहनत से, हुकूमत की तवज्जो से, तो आने वाले दिनों में वो भी उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। जी डेफिनेटली, अब हमारी तरफ से कोई ना देरी है ना दूरी है, और इंशाल्लाह ये अब रंजीत नगारा जो NGO है ये अब उनका फर्ज बनता है कि वो इस पर जल्द अज जल्द अपनी टीमें जो हैं उनको गर्ड अप करके और काम स्टार्ट करवाने की पोजीशन में आ जाए। थैंक यू वेरी मच जी।